करने जा रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर टू, दैट इज रिलीजियस. ओके, बट बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जो चैप्टर टू रिलीजियस है ना, इसमें एटलीस्ट 119 क्वेश्चंस हैं. ओके, सो इसके लिए एटलीस्ट 7 पार्ट्स में कवर हो जाएंगे. ओके, इसमें से मैं एक पहला पार्ट बना ही चुकी हूँ जो इससे पहले वाली वीडियो, ठीक है. अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी अब तक तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए और उसके बाद ही क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज़ द हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन श्रीमद् भागवत गीता. ठीक है, तो भागवत गीता में कितने चैप्टर्स, दैट इज 335. देन हु आर द टू मेन पर्सनैलिटीज बिटवीन होम इज़ द मेन कन्वर्सेशन इन श्रीमद् भागवत. ओके, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी दो पर्सनैलिटी हैं मेन किसमें, श्रीमद् भागवत गीता में, जिसमें कन्वर्सेशन, मेन कन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है, जिनके बीच में. सो वो हैं किंग परीक्षित एंड सुखदेव. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज नेम द ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवत. श्रीमद् भागवत के ऑथर कौन है, श्री वेद व्यास. यस, देन विच किंग एक्सेप्टेड टू बी वर्क एज क्रीमेशन ग्राउंड कीपर टू कीप हिज वर्ड्स. इट मीन्स कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने ये काम करना एक्सेप्ट किया, कौन सा, डेट इज क्रीमेशन ग्राउंड कीपर. यस, तो जो क्रीमेशन ग्राउंड कीपर का मतलब होता है ना कि शमशान घाट की देखरेख करने के लिए, ठीक है, मतलब कि शमशान घाट की देखरेख करने के लिए जो काम एक्सेप्ट किया, ठीक है, किस लिए, टू कीप हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स को रखने के लिए. तो वो किंग थे सत्यवादी हरीश चंद्र. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बाय विच नेम इज ग्रवाल नोन इन स्कंद पुराण. ओके, जो ग्रवाल है ना उनको किस नाम से जाना जाता है, नोन इन स्कंद पुराण, मतलब कि स्कंद पुराण में. ओके, सो दिस इज केदार खंड. ओके, देन नेक्स्ट वन इज हु वेंट टू गोपीज टू डिलीवर द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण. ठीक है, श्री कृष्ण के मैसेज को डिलीवर करने के लिए गोपीज के पास कौन गया, सो दिस इज उद्धव. ओके, देन नेक्स्ट वन इज नेम द चाइल्ड हु ऑफर्ड हिमसेल्फ टू द लॉर्ड यम टू ऑबे हिज फादर. तो इट मीन्स कि ऐसे कौन सा चाइल्ड था जिसने अपने आप को ही ऑफर कर दिया लॉर्ड यम को, ठीक है, जिससे कि अपने फादर को ओबे कर सके. ओके, मतलब कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए. सो वो थे नचिकेत. ओके, दो, सो नेक्स्ट इज द नेम द किंग हु ऑफर्ड फ्लैश ऑफ हिज बॉडी टू द हॉक टू सेव अ पिजन. सो इट मीन्स कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी ही बॉडी का मांस, मतलब जो अपने शरीर का को ही मांस के रूप में प्रेजेंट कर दिया था, ठीक है, हॉकर्स, हॉक मतलब हॉक जो होते हैं ना, फेरी वाले जो होते हैं, उनको किस लिए, टू सेव अ पिजन, पिजन को मतलब कबूतर को बचाने के लिए. वो किंग थे किंग सेबी. ओके, देन नेक्स्ट वन इज वेयर आर द फोर माताज ऑफ हिंदूज लोकेटेड. ओके, सो दिस इज बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, देन श्रृंगेरी एंड द्वारिकापुरी. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज हु फाउंडेड द फोर माताज ऑफ हिंदूज. ओके, दैट इज आदि गुरु शंकराचार्य. ओके, एज वेल आई वांट टू टेल वन थिंग ऑल्सो, दैट जो ये वर्ड लिखा ना माताज, इसको एक तरीके से मैथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज आई डिड द गूगल सर्च. ओके, सो यू कैन गो थ्रू इंटरनेट एंड कैन सर्च इट रिगार्डिंग इट. ओके, देन नेक्स्ट वन इज वेयर वाज आदिगुरु शंकराचार्य बॉर्न. जो आदिगुरु शंकराचार्य थे ना वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे. ओके, सो दिस इज कलाधीत इन केरला. देन नेक्स्ट इज एट व्हाट एज आदिगुरु शंकराचार्य एक्सपायर्ड. एक्सपायर्ड मीन्स कि उनकी कब डेथ हुई थी. ओके, दैट इज 32 ईयर्स पे. हु इज द फाउंडर ऑफ वाद. ओके, सो दिस इज शंकराचार्य. ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन दैट हाउ टू प्रोनाउंस इट, अद्वैत वाद. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ द्वैतवाद. ओके, सो दर इज मध्वाचार्य. ओके, देन नेक्स्ट इज वेयर वाज मध्वाचार्य बॉर्न. दिस इज इन उदुपी, दैट इज इन कर्नाटक. ओके, देन वेयर डिड शंकराचार्य डाय. शंकराचार्य जी थे वो कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, तो वो है आंसर है केदारनाथ. यस,
Then next one is where are the deity of Badrinath shifted in winter season. So it means कि जो देव थे ना बद्रीनाथ के वो कहाँ shift हो गए थे winter season में. Okay, so the answer for this is जोशी मत 14. Then next one is how many Jyotirlinga are there, name them. Okay, जो Jyotirling हैं वो कितने हैं उनके नाम भी बताइए. ठीक है, तो ये जो है 12 Jyotirlinga हैं. और तो इसका जो फर्स्ट आंसर डेट इज़ सोमनाथ जो गुजरात में है. देन नेक्स्ट है मल्लिकार्जुन डेट इज़ इन आंध्र प्रदेश. नंबर थर्ड इज़ महाकालेश्वर जो है जो कि उज्जैन में है मध्य प्रदेश के. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ ओमकारेश्वर. ओके, ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर. ओके, सो इट इज़ इन मध्य प्रदेश. फिफ्थ वन इज वैद्यनाथ, इट इज इन झारखंड. देन नंबर सिक्स इज भीमा शंकर, इट इज इन महाराष्ट्र. नंबर सेवन इज रामेश्वर, इट इज इन तमिलनाडु. नंबर एट इज नागेश्वर, इट इज नागनाथ, इट इज इन गुजरात. ओके, देन नेक्स्ट वन इज विश्वनाथ वाराणसी यूपी. ओके, देन नंबर टेन इज बकेश्वर, दिस इज इन महाराष्ट्र. ओके, देन नंबर 11 इज केदारनाथ, इट इज इन गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड. देन लास्ट वन इज दिस इज घुसमेश्वर एज वेल ग्रीष्मेश्वर. ओके, सो इट इज इन महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. ओके, सो इसको लाइक करना मत भूलिए. और हाँ, ऐसे ही और क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए. और थैंक यू.